हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स वंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फरवरी के महीने में कोई ऐसी खास सेल आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों फरवरी के महीने में एक तो बिग सेविंग डेज जैसी बड़ी सेल नहीं आने वाली है, साथ ही फरवरी के महीने में कोई ऐसा त्यौहार भी नहीं है जिसके ऊपर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छी खासी सेल देखने को मिले। और मार्च के महीने में दोस्तों होली फेस्टिवल आने वाला है, साथ ही यहाँ पर दोस्तों गर्मियाँ भी स्टार्ट हो जाएगी, तो काफ़ी सारे समर अप्लायंसेस के ऊपर भी आपको सेल्स देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि यहाँ पर आपको मार्च के महीने में फ्लिपकार्ट पर कौन कौन सी सेल्स देखने को मिलने वाली हैं, किन तरीके के प्रोडक्ट आप उन सेल के दौरान परचेस कर पाएंगे, किस तरीके के डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे, सबके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आने वाली नई नई सेल और डील एंड डिस्काउंट के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मार्च के महीने में दोस्तों सबसे पहले सेल की अपन बात करें तो यहां पर आने वाली है फ्लिपकार्ट पर बिग बचत धमाल सेल। ये दोस्तों हर महीने आती है, अभी पिछले महीने भी आई थी, लेकिन इस सेल के दौरान कुछ ऐसा खास डिस्काउंट देखने को नहीं मिला था। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर कभी कभी ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। पिछली सेल बहुत ही बेकार थी, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिला था, और फरवरी के महीने में कोई बिग सेविंग डे सेल भी नहीं आई है। तो यहां पर दोस्तों आपको हो सकता है कि इस स्टार्टिंग में इस सेल के दौरान अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उम्मीद आप इसमें मत रखिएगा, अगर आपको फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट परचेस करना है तो वो आप इस सेल के दौरान परचेस कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों फ्लिपकार्ट की बिग बचत धमाल सेल के अंदर कोई भी बैंक ऑफर वगैरह नहीं होता है। 500 रुपए के आसपास का डिस्काउंट आपको फोन पे या पेटीएम के ऊपर देखने को मिल जाएगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट इसके अंदर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर फैशन कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो प्राइस डिस्काउंट यहां पर अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। इस सेल के डेट की हम बात करें तो मार्च के फर्स्ट वीक में ये देखने को मिलेगी, और मार्च के फर्स्ट वीक में ही आपको एक वुमेंस डे नाम से सेल देखने को मिलेगी, जो भी दोस्तों अगेन फैशन कैटेगरी के ऊपर होगी। यहां पर आपको फैशन कैटेगरी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों सेल तो ज्यादा खास नहीं रहने वाली है, खास सेल आने वाली है 10 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डेज। अब क्योंकि दोस्तों फरवरी के महीने में नहीं आया है, मार्च के महीने में आ रहा है, काफी टाइम के बाद में सेल आ रही है। साथ ही दोस्तों 18 मार्च को यहां पर होली का फेस्टिवल भी है, तो उस होली के फेस्टिवल को टारगेट करते हुए ये सेल आएगी। तो यहां पर दोस्तों आपको इस सेल के दौरान अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बैंक ऑफर भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब हो सकता है ये SBI पे हो, HDFC पे हो या ICICI पे हो, तीनों में से किसी एक बैंक के कार्ड पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको परचेस करना है, स्मार्टफोन परचेस करना है, लैपटॉप वगैरह या म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में परचेस करना है तो इस सेल के दौरान अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। होम अप्लायंसेस परचेस करना है तो वो इस सेल के दौरान आप परचेस कर पाएंगे, उन पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहां पर बैंक ऑफर की अपन बात करें तो कम से कम 1500 रुपए तक का तो बैंक ऑफर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अलावा ये ऑल कैटेगरी सेल होती है, तो यहां पर दोस्तों आपको क्लोथिंग वगैरह परचेस करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस वगैरह कुछ भी परचेस करना है, सारी चीजों पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। डेट की हम बात करें दोस्तों तो मुझे लगता है कि 11 से 12 तारीख के आसपास ये सेल आएगी, और 3 से 4 दिन की सेल रहने वाली है। तो कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको परचेस करना हो तो इस सेल के दौरान परचेस कीजिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 15 से 20 तारीख के बीच में यहां पर फ्लिपकार्ट पर ग्रैंड होम अप्लायंसेस डे सेल भी देखने को मिलने वाली है, जो भी दोस्तों स्पेशली आएगी होम अप्लायंसेस के ऊपर। आपको टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी परचेस करना है तो इस सेल के दौरान अच्छा खासा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों मार्च के महीने में काफी गर्मियां बढ़ चुकी होगी, तो यहां पर अगर आपको समर अप्लायंसेस परचेस करना है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर परचेस करना है, कूलर, एसी, फैन, सीलिंग फैन वगैरह, तो इनके ऊपर यहां पर फ्लिपकार्ट पर कूलिंग डे सेल देखने को मिलेगी। अब कूलिंग डे सेल दोस्तों अभी ये फरवरी के एंड में भी एक आपको देखने को मिलने वाली है, और एक कूलिंग डे सेल आपको मार्च के महीने में भी देखने को मिलेगी। दोनों ही के अंदर थोड़ा सा अलग अलग डिस्काउंट रहेगा, तो यहां पर दोस्तों अभी जो फ्लिपकार्ट पर सेल आएगी तो उसके ऊपर मैं आपको अपडेटेड वीडियो दूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या कुछ कैसा डिस्काउंट है, क्या कुछ परचेस करना चाहिए, किसके लिए अभी रुकना चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसके अलावा मार्च में भी आपको 20 तारीख के आसपास एक फ्लिपकार्ट की कूलिंग डे सेल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर भी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगली और बड़ी सेल की हम बात करें तो फ्लिपकार्ट पर आपको मार्च के आखिरी सप्ते में एक सेल देखने को मिलेगी, जो कि फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल के नाम से आती है। इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। स्मार्टफोन्स वगैरह आपको परचेस करना है, लैपटॉप वगैरह परचेस करना है, टीवी वगैरह परचेस करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के सारे ही प्रोडक्ट आ जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम से लगा करके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप अपने घर में यूज करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफर पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रीपेड डिस्काउंट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल की अगर हम बात करें तो 5,000 रुपए तक का प्रीपेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया हुआ है अपने वीडियोस के अंदर, तो इस सेल के अंदर भी काफी अच्छा मौका रहेगा आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको परचेस करना है। तो ये दोस्तों कुछ बड़ी बड़ी सेल थी जो कि आपको मार्च के महीने में फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अमेजोन पर मार्च के महीने में कौन कौन सी सेल आने वाली है, इसके ऊपर वीडियो आने वाला है, तो यहां पर इस जगह में इस वीडियो को लगा दूंगा, तो यहां क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।